हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधीर, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो यूपी डब्ल्यूएससी उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए सामान्य हिंदी की क्लासेस में 17वें दिन की क्लास, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। छोटा सा टॉपिक है और हमने सोचा क्या इसको दो वीडियो में खींचे, एक ही वीडियो में ख़त्म करते हैं। ठीक, एक ही वीडियो में हम पूरा उपसर्ग और प्रत्यय को कंप्लीट करके पढ़ते हैं। अब बात करें उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, इसमें देखिए हम पहले उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद हम इसमें 7 से 8 प्रश्न इंक्लूड किए हैं, जिसमें 8 प्रश्न कहने को हैं, कम से कम 15 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे अगर जो आप चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, अगर जो लेखपाल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें, और उनसे कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना मेरे लिए अच्छा होगा, आपको भी, तो मैं भी मोटिवेट होता रहूंगा कि और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको एक बात बोलना चाहेंगे, मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है, मेरी मतलब खांसी थोड़ी सी आ रही है और गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। आवाज़ आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा, आवाज़ बहुत ही मोटी आ रही होगी। अभी मैं तुरंत नमक और पानी का गलाला करके आ रहा हूँ, तब मैं बैठा हूँ, फिर भी वॉइस थोड़ी मोटी आ रही है। चलिए शुरू करते, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझने से मतलब है। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय होता क्या है? ठीक है, किसी भी शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय जोड़ के उस शब्द के अर्थ को बदला जा सकता है या फिर परिवर्तित किया जा सकता है, इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं। चलिए पहले हम उपसर्ग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम प्रत्यय देखेंगे। ठीक है, उपसर्ग की बात करें तो उप धन सर्ग, क्या बोला मैंने, उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग मतलब क्या हो गया, उप धन सर्ग मतलब उपसर्ग। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उपसर्ग में चीज़ें पहले आती हैं, प्रत्यय में बाद में आती हैं। ठीक है, तो ऐसे अव्यय शब्द जो किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसे विशिष्ट बना देते हैं या फिर नया रूप दे देते हैं, तो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले प्रयुक्त होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि उपसर्ग जो होते हैं हमेशा शब्द के पहले प्रयुक्त होते हैं, प्रत्यय जो होते हैं हमेशा शब्द के बाद प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, उपसर्ग हमेशा पहले और प्रत्यय हमेशा बाद में। तो एक बार फिर से देखते हैं, ऐसे अव्यय शब्द जो किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसे विशिष्ट बना देते हैं या नया रूप दे देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने कहा आपको पराक्रम। ठीक है, मान लीजिए हमने कहा पराक्रम, तो आप देखेंगे पराक्रम यहाँ पे लिखा है, अगर जो हम यहाँ पे परा को हटा दें, ठीक है, क्या हटा दें, परा को हटा दें, ये प्र नहीं है, पराक्रम है, परा को हटा दें तो क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको, आपके पास पराक्रम नहीं है, आपके पास एक शब्द है क्रम। ठीक है, अब क्रम में कौन सा अव्यय या कौन सा शब्द जोड़े कि या पराक्रम बन जाए, तो आप कहेंगे परा जोड़ दो, तो परा आपने जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये क्रम आपका क्या बन गया, पराक्रम बन गया। तो आप कहेंगे इस शब्द में परा आपका क्या है, उपसर्ग लगा है। ठीक, समझ में आ गया। जैसे आपने लिखा हार लिख लिया, ठीक है, हार लिखा, इसमें हमने लिख दिया प्र लगा दिया तो प्रहार हो गया, वी लग दिया तो विहार हो गया, उप लगा दिया तो उपहार हो गया। आप देख रहे हैं हार शब्द है, लेकिन इसे प्रहार भी बन जा रहा है, विहार भी बन रहा है और उपहार भी बन रहा है। ठीक, तो ये होता है उपसर्ग, जो शब्द के पहले प्रयुक्त होता है और उसे विशिष्ट बना देता है या उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। अब आपको ये तो एक चीज़ कुछ नहीं समझ में आया, तो एक चीज़ तो समझ में आ ही गया होगा कि जो उपसर्ग होता है वो शब्द से पहले प्रयुक्त होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, कभी कभी पूछ लेता है उपसर्गों की संख्या, तो ध्यान रखिएगा जो उपसर्ग होते हैं हिंदी में टोटल 12 होते हैं, उर्दू में 10 होते हैं, ठीक है, और आपके संस्कृत में 22, हिंदी में 12 और उर्दू में 10 होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहीं कहीं आपको उर्दू में 19 देखने को मिलेगा, ठीक है, हिंदी में 10 देखने को मिल सकता है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, तब मैंने बता दिया। ठीक, अब देखिए कुछ यहाँ पे उपसर्ग दिए गए, जैसे प्रहार मैंने आपको बताया, विहार हो गया, उपहार हो गया, समहार हो गया। इसमें प्रहार में प्र उपसर्ग प्रयुक्त है, विहार में वि उपसर्ग प्रयुक्त है, हार में उप उपसर्ग प्रयुक्त है, सम में हार, देखिए समहार में सम उपसर्ग प्रयुक्त है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और शब्द आता है हार, हार के आगे देखिए इसमें 3-2 यहाँ पे उपसर्ग प्रयुक्त है। जैसे हमने लिखा हार, हार के हमने लगा दिया, हार के आगे आ लगा दिया तो आ उपसर्ग लगाने से आहार बन गया, फिर आ के आगे निर लगा दिया
ठीक है, तो क्या बन गया, निराहार। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं कहीं आ जाते हैं, इसमें दो उपसर्ग भी प्रयुक्त होते हैं। ठीक, अब एक चीज आपको देखिए, शब्द निर्माण की बात करें, इसमें आपको मैंने बताया कि ऐसे अवयव जिनमें किसी भी शब्द के, जो भी किसी भी शब्द के पूर्व जुड़कर उसे विशिष्ट बना देते हैं या नया रूप दे देते हैं, मतलब नया शब्द बना देते हैं, तो आपके दिमाग में आता शब्द बन जाते हैं। तो शब्द निर्माण की बात करें तो शब्द निर्माण चार प्रकार से होता है, ध्यान रखिएगा, शब्द निर्माण चार प्रकार से होता है। एक तो समास होता है, समास से नया शब्द निर्माण होता है, एक संधि से होता है, ठीक है, एक प्रत्यय से होता है, एक उपसर्ग से होता है। ये ध्यान रखिएगा, शब्द निर्माण चार प्रकार से होता है, समास, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग। ठीक, आते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग को देख लेते हैं। ठीक, जैसे आपका प्र उपसर्ग होता है, जो कि हमेशा मतलब लगभग लगभग प्रयुक्त किया जाता है किसी शब्द के आगे और वो अलग हो जाता है। ठीक है, परा उपसर्ग हो गया, अप होता है, सम होता है, अन होता है, अनु होता है। आपसे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, एक शब्द लिख देगा अपमान, मान लीजिए ऐसे शब्द लिख देगा, इसमें बताएगा इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, तो आप कहेंगे इसमें अप उपसर्ग प्रयुक्त है। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, प्र, परा, अप, सम, अन, अनु, निस, निर, नी, अधि, अभि, प्रति, सु, कु, उप, अति, ला, बे, बा, दर, भर, बर, बद, ये सारे क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, कुछ उपसर्ग है, इसको दो बार तीन बार पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइए जाते हैं कुछ शब्दों पे देखते हैं। जैसे आपने देखा, मैंने बताया प्रहा, प्र, तो प्र में देखेंगे आपका प्रहार बन जाएगा, पराधीन, ये परा से पराधीन बन जाएगा, अप से देखेंगे तो अपमान बन जाएगा, अपमान में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, अप प्रयुक्त है, या अपयस में देखेंगे तो अप उपसर्ग का प्रयुक्त किया गया है, अपकार में देखिए अप उपसर्ग का प्रयुक्त किया, अपेक्षा में देखिए अपेक्षा, अपधन इच्छा, अप उपसर्ग का इसमें भी प्रयुक्त किया गया। ठीक है, अब देखिए संवाद की बात करें तो इसमें देखिए सम उपसर्ग का प्रयुक्त किया, इसमें देखिए हलंत रखेगा। ठीक है, समहार, देखिए ये वाला बिंदी से फर्क पड़ रहा है, इसमें भी सम उपसर्ग का प्रयुक्त किया गया है, संपूर्ण में भी सम उपसर्ग का प्रयुक्त किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, अनुपमा में अनु उपसर्ग का प्रयुक्त है, अनावरण में अन उपसर्ग का प्रयुक्त है, अनाधिकार में अन अधिकार, अधिकार अन, अन उपसर्ग का इसमें भी प्रयुक्त है, अनावश्यक में आवश्यक, धन अन, अन, इसमें भी अन उपसर्ग का प्रयुक्त है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं अनवेक्षण, अनवेक्षण में अनु उपसर्ग का प्रयुक्त है, अनव्यय में भी अनु उपसर्ग का प्रयुक्त है। ठीक है, अनु, नेक्स्ट निष्काम, इसमें देखेंगे तो निस उपसर्ग का प्रयुक्त है, इसमें भी निस उपसर्ग का प्रयुक्त है। ठीक, तो इस प्रकार से ये कुछ उपसर्ग दिए गए, इसको आप लोग कर लीजिएगा, और जिन भाइयों एवं बहनों को ये वाला पीडीएफ चाहिए, टोटल 104 पेज का पीडीएफ है। ठीक है, पीडीएफ चाहिए पूरा हिंदी का कंप्लीट पीडीएफ, उनको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से डायरेक्ट आप जाके बाई कर सकते हैं। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, उपसर्ग पढ़ लिया है, अब आते हैं प्रत्यय पे। ठीक है, प्रत्यय की बात करें, हमने बताया उपसर्ग पहले प्रयुक्त होता है शब्द के और एक विशिष्ट शब्द बना देता है, एक अलग शब्द बना देता है। प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय ठीक उल्टा होता है, जिस प्रकार से उपसर्ग पहले प्रयुक्त होता है, प्रत्यय ठीक उसी प्रकार से शब्द के बाद में प्रयुक्त होता है। ठीक, तो यहाँ से कह सकते हैं वे अव्यव शब्द या ऐसे शब्द जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर, क्या होता है, अंत में जुड़कर उसको नवीन रूप से या नवीन अर्थ दे देते हैं, नया अर्थ दे देते हैं, तो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, वे अव्यव शब्द या ऐसे शब्द जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसको नवीन कर देते हैं या नया रूप दे देते हैं, नया अर्थ दे देते हैं, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम प्रत्यय की, तो प्रत्यय देख लीजिए, अभी हम आगे प्रत्यय देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, कृत प्रत्यय कौन सा है, तद्धित प्रत्यय कौन सा है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा, अब इसमें देखिए जो शब्द, ठीक है, जो शब्द क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय, जैसे क्रिया धातु है लिखना, ठीक है, लिख, ठीक है, उसमें आई प्रत्यय लगा देते हैं तो वो लिखाई हो जाता है, तो वो क्या हो गया, कृत प्रत्यय हो गया, क्योंकि वो क्रिया के अंत में जुड़ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम व विशेषण के अंत में जुड़ते हैं वे तद्धित प्रत्यय, संज्ञा पता होना चाहिए, संज्ञा मैंने कराया है, नाम, किसी का नाम हो गया, कहीं शहर का नाम हो गया, किसी एक स्पेशल चीज़ को, मतलब कह सकते हैं सब कुछ संज्ञा ही होता है। ठीक है, नाम, और जो शब्द संज्ञा सब, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसे राम की जगह पर हमने कह दिया वह, तो वो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया।
तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। विशेषण तो आपको पता होगा, विशेषता बताते हैं। तो जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया, कृत हो गया। कृत होता है क्रिया व धातु के अंत में जुड़ते हैं। अभी देखिए सारी चीज समझ में आएगा अगर जो आप एग्जाम्पल देखेंगे तो। ठीक है, चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट। जैसे हमने बोला कृत प्रत्यय, तो क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं। जैसे मैंने पढ़ाई, तो पढ़ एक आपकी क्रिया है। ठीक है, उसमें आई हमने क्या लगा दिया, प्रत्यय लगा दिया, तो पढ़ाई हो गया। तो आपको पता है क्रिया के अंत में जुड़ा है आई, तो कौन सा प्रत्यय होगा, कृत प्रत्यय हो गया। क्रिया या धातु के अंत में जो भी प्रत्यय जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय। तो आपका आई हो गया, क्या हो गया, कृत प्रत्यय हो गया। इसी प्रकार से लिख धन आवट लगा दिया, तो ये भी देख रहे हैं क्रिया के अंत में जुड़ा है तो लिखावट हो गया, आवट भी आपका कृत हो गया। पहन धन आवा, पहनावा हो गया, ये भी क्रिया होता है। तद्धित में देख लेते हैं, हमने बोला तद्धित में क्या क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। ठीक, एक आपका तद्धित है, ये तद्धित है, एरा तद्धित है, इला तद्धित है, से आपका हो गया समाज धन एक, सामाजिक हो गया। ये देखिए ये वाले प्रत्यय है सारे, ध्यान रखिएगा। संसार धनिक, संसारिक हो गया। भारत धन ये, भारतीय हो गया, ये प्रत्यय प्रयुक्त है। नरक धन ये, यहाँ पे भी ये प्रत्यय प्रयुक्त है, नारकीय हो गया। अन्य देखिए दया धन अन्य, दयानीय हो गया, ये भी यहाँ पे ये अन्य प्रत्यय प्रयुक्त है। इसी प्रकार से लुटेरा, एरा प्रत्यय यहाँ पे प्रयुक्त किया गया लुटेरा में। फुफेरा में भी एरा प्रत्यय है और ममेरा में भी एरा प्रत्यय है। ठीक है, चमकीला में ईला प्रत्यय है, चमक धन ईला। ध्यान रखिएगा जब भी आप अलग अलग करते हैं तो दोनों के अलग अलग अपने अपने अर्थ होने चाहिए, जिस प्रकार विच्छेद में होता है। ठीक है, रंगीला में रंग धन ईला, ईला प्रत्यय हो गया। जहरीला में जहर धन ईला, ईला प्रत्यय हो गया। ठीक, अब देखिए पंजाब में ई लगा देते हैं तो पंजाबी हो गया। ये देखिए ई प्रत्यय लगा है बड़ी ई। गरीब में ई लगा देते हैं गरीबी हो जाता है। जापान में ई लगा देते हैं जापानी हो जाता है। यहाँ देखिए मान प्रत्यय से प्रयुक्त शब्द कौन कौन से, शक्तिमान हो गया, बुद्धिमान हो गया, श्रीमान हो गया, ये मान प्रत्यय लगा के बने हैं। आ प्रत्यय की बात करें तो देखिए महोदय धन आ महोदया हो जाएगा, प्राचार्य धन आ प्राचार्या हो जाएगा। ठीक है, सुत धन आ सुता हो जाएगा। आयन प्रत्यय लगा के भी कुछ शब्द बने, यहाँ पे देख लीजिएगा, पंडित धन आयन पंडितायन हो गया और ठाकुर धन आयन ठाकुरायन हो गया। ठीक है, अब देखिए रिश्ते वाले में आनी लगा देते हैं, जैसे सेठ हो गया सेठानी, आनी प्रत्यय। जेठ धन आनी जेठानी हो गया, देवर धन आनी देवनानी हो गया, इसमें आनी प्रत्यय लगा के बना है। बहुत सारे प्रत्यय हम करा दे रहे हैं। ठीक है, और अभी कुछ क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा, उसके बाद थोड़ा सा बुक से लगा के जो आपके बुक में क्या करना है आपको, आदित्य वाली बुक जो होगी उसमें आपको पीछे जाइएगा, प्रश्न ढेर सारे दिए होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसी को आप सिर्फ सॉल्व करिएगा। आपको बुक से प्रत्यय उपसर्ग पढ़ने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। इन प्रत्यय लगा के क्या बनता है, कुम्हारिन बनता है, धोबिन बनता है, लोहारिन बनता है और मालिन बनता है। ठीक, ताप प्रत्यय लगा के कौन कौन से शब्द बने, मित्रता, वीरता, सुंदरता, मानवता। ठीक है, तो आप प्रत्यय देखे तो ये वाला पशुधन तो पशुत्व हो गया, लघुधन तो लघुत्व हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका उपसर्ग और प्रत्यय। अब देखिए कुछ और है, जैसे लड़कपन हो गया, पन प्रत्यय लगा है, लड़कपन, बच्चापन, बचपन, बुढ़ापा, देखिए बहुत बार पूछा गया है, बुढ़ा धन आपा बुढ़ापा हो गया। पा प्रत्यय लगा है, मोटा धन पा मोटापा, यहाँ पे भी पा प्रत्यय लगा है। उसके बाद देखिए ए, किसी के पुत्र को अगर जो बताना हो, जैसे राधा धन ए राधे, मतलब राधे का पुत्र राधे हो गया। गंगा का पुत्र गंगे हो गया। कुंती का पुत्र कुंतने हो गया। ठीक है, अंजनी का पुत्र अंजने हो गया। इसी प्रकार से इत प्रत्यय लगा रहते हैं, जैसे लोह का लोधनित लोहित हो गया। मोहित में इत प्रत्यय लगा है मोहधनित, शोभित में शोभधन शोभाधनित शोभित प्रत्यय लगा, इत प्रत्यय लगा। ठीक, दार की बात करें, चौकीदार हो गया चौकीधनदार चौकीदार, फौजधनदार फौजदार और समझधनदार समझदार हो गया। ठीक है, यहाँ पे दार प्रत्यय का प्रयुक्त है। अब आइए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मैंने बोला था इसको करा देते हैं। देखिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है वीडियो बनाने में क्योंकि तबीयत थोड़ी वीक है, लेकिन चलिए इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सदाचार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। उपसर्ग मैंने बताया था शब्द के पहले प्रयुक्त होता है, सदाचार मतलब सत धन आचार होगा, इसमें सत उपसर्ग प्रयुक्त है। ठीक, अत्युक्ति में अत धन युक्ति में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, युक्ति यहाँ पे दूसरा शब्द बन रहा है तो अति धन युक्ति होगा, अति उपसर्ग यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट दो है, समाधान एवं संरक्षण में, संरक्षण में देख सकते हैं सम धन रक्षण हो जाएगा, तो सम उपसर्ग हो रहा है, समाधान में सम धन धार,
एक ही है तो सम यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट है प्रत्युपकार और प्रतिदिन, तो यहाँ पे सीधी सी बात है प्रत्युपकार प्रतिधन उपकार होगा और प्रतिदिन प्रतिधन दिन होगा, तो यहाँ पे प्रति उपसर्ग प्रयुक्त हो जाएगा। ठीक, अध्यक्ष व अधिष्ठता में अधि यहाँ पे होगा, ठीक है सीधी सी बात अधि होगा। यहाँ पे उपसर्ग पहचानना है, तीन शब्द है अभ्यास अभिमुख अभिमान, ठीक है अभ्यास अभिधन यास अभिमुख अभिधन मुख अभियान अभिधन यान, तो यहाँ पे अभी उपसर्ग प्रयोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है नी परी उन उपसर्ग से संबंधित शब्द आपको पहचानना है, तो आप देख सकते हैं नी से आपका निबंध हो जाएगा, परी से आपका परिजन हो जाएगा और उन से उनतीस हो जाएगा। ठीक है ऐसे उन धन तीस परिधन जन निधन बंध, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अति उपसर्ग का प्रयुक्त निम्नलिखित में से किसमें है, किसके लिए किया जाता है, तो ध्यान रखिए अति अधिकता के लिए किया जाता है या बाहुल्य के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये था उपसर्ग और प्रत्यय, जिसमें मैंने गलती हो गई मुझसे थोड़ी सी ये कि मैंने उपसर्ग के ही क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं, प्रत्यय के किए ही नहीं। ठीक है हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए पढ़ लीजिए, और जो आपकी आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक है जो मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग ले लीजिए, वहाँ से आप लोग पीछे से जाके क्वेश्चन टेस्ट की जो है मॉक टेस्ट है या फिर अभ्यास प्रश्न टेस्ट है उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो आशा है आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, मिलते हैं एक वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।